जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन हमेशा एक से बढ़कर एक उभरता हुआ कलाकार नजर आते ही रहता है। तो क्या आप लोगों को लगता है इतना कंपटीशन होने के बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई खेसारी लाल यादव को पीछा कर सकता है या खेसारी लाल यादव को कोई टक्कर दे सकता है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी चीज के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं एंड कुछ बातें हम आप लोगों को बताने वाले हैं जिसे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जरूर सीख मिलेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जिसे आप लोगों को भी काफी ज्यादा सीख मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल का कलाकार बनने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ये उन्हें पता चलता है जो इस कलाकारी लाइन में अपना जीवन में सफलता हासिल कर चुके हैं। अब दोस्तों यहीं पे आप लोग खेसारी लाल यादव को ले सकते हैं। खेसारी लाल यादव को लोग अभी सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ सफलता देखते हैं, यानी कि उनके पीछे का मेहनत कितना है, कितना स्ट्रगलर है, ये नहीं देखता है कि आज इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं। तो सिर्फ लोग समझ लेते हैं कि हाँ खेसारी लाल यादव इतने बड़े एक्टर यानी कि इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े हीरो हैं, सिर्फ ये लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये सभी बातें सुनकर अब आप लोगों को तो लगने लग ही गया होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो खेसारी लाल यादव का पीछा कर सकता है। लेकिन हाँ, पीछा तो नहीं कर सकता है लेकिन उनके जैसा काबिल बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और कलाकार हैं जो धनंजय धड़कन का भाई, यानी कि उनका नाम है संजय धड़कन। उनके पास इतना टैलेंट है कि एक्टिंग में भी काफी ज्यादा मशहूर हैं और सिंगिंग लाइन में भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कलाकार बनने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और कितना ज्यादा स्ट्रगलर करना पड़ता है, ये उन्हीं को पता चलता है जो इस लाइन में सक्सेसफुल पा चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग धनंजय धड़कन को भी ले सकते हैं। धनंजय धड़कन 3 साल मेहनत करने के बावजूद आज उतने बड़े मुकाम पर भी नहीं पहुंच पाए हैं जितने बड़े मुकाम पर आज पहुंचना चाहिए इतने बड़े मेहनत करने के बाद। लेकिन उनका भाई संजय धड़कन जो है उनको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप लोगों को पता है कि संजय धड़कन अभी तक उतना मेहनत नहीं किया है कि वो किसी के बराबरी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों संजय धड़कन के पास इतना टैलेंट और इतना जुनून है कि वो एक अच्छी कलाकार बन सकता है। बस सत्य दोस्तों अगर मेहनत करे तो। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को ये भी समझाना चाहते थे कि अगर आप लोगों में से किसी भाई के पास टैलेंट है या अगर आप लोगों में से कोई भाई कलाकार बनना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो वो लोग भी अगर इस तरह से मेहनत करे, इतना ज़्यादा स्ट्रगलर करे, तो खेसारी लाल यादव को टक्कर तो नहीं देख सकता है लेकिन अपने जीवन में काबिल जरूर बन सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा एंड कुछ ना कुछ आप लोगों के पास जुनून जरूर जगा होगा कि मैं भी एक भोजपुरी कलाकार में अपना नाम रोशन कर सकूँ। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो का मतलब, आप लोगों तक ये बातें शेयर करना यानी कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की छोटी सी वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।